हाय गाइस, विक्रम जी ने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने फोन पे बिजनेस अकाउंट से अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए, आप जानते होंगे फोन पे जो होता है वो दो कैटेगरी में होता है, एक तो होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है बिजनेस। देखिए, इंडिविजुअल जो होता है उसका जो कलर होता है वो कुछ पर्पल टाइप का होता है, ये आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो बिजनेस फ़ोन पे और जो इंडिविजुअल फ़ोन पे है उसमें फ़र्क क्या होता है? देखिए, इंडिविजुअल फ़ोन पे में क्या होता है, आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आती है तो वो हैंड टू हैंड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन बिजनेस फ़ोन पे बनाया गया है दुकानों के लिए, बिजनेस के लिए। इसमें होता ये है कि इसमें जो भी पैसा आता है एक दिन का, 24 घंटे के अंदर जितना भी पैसा आता है, उस सब का पूरा एक जगह अमाउंट करके एक बार अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। मतलब अगर किसी कस्टमर ने 10 रुपये ट्रांसफ़र किए, फिर दूसरे कस्टमर ने 50 रुपये आपको QR कोड स्कैन करके पेमेंट किया, तो वे 10, 20, 50, 100 ऐसे एंट्री नहीं आएगी। पूरे दिन में 24 घंटे में जितना भी अमाउंट कलेक्ट होगा उन सब की मिला करके अगले दिन एक एंट्री आपके अकाउंट में होती है, ठीक है। तो ये जो फ़ोन पे बनाया गया है ये दुकानों के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए, उनके लिए बनाया गया है, ताकि हर एक एंट्री आपके डायरेक्ट बैंक में ना जाए। पूरे दिन में 24 घंटे में सारी जितनी भी एंट्री आती है, जितनी भी पेमेंट आपको मिलती है, उन सबको कलेक्ट करके केवल एक एंट्री 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपने भी फ़ोन पे बिजनेस में कुछ पेमेंट लिया हुआ है और आप उसको ट्रांसफ़र करने की सोच रहे हैं तो कैसे करेंगे समझ लीजिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 24 घंटे के अंदर जितनी भी पेमेंट आपको मिलती है वो 24 घंटे बीतने के बाद ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। चलिए नीचे देखिए, मेरे अकाउंट में अभी यहाँ पे 800 रुपये की ट्रांजेक्शन हुई है और मैं यहाँ पे वीव ऑल के ऊपर क्लिक करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पे टुडे है और मैं यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का अगर निकालने लगूँ तो देखिए, लास्ट 6 मंथ में केवल मैंने यहाँ पे 3 एंट्री रिसीव की है। ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर का सेटल्ड आ रहा है और यहाँ पर भी सेटल्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। सबसे ऊपर आप देखेंगे 800 रुपये की एक एंट्री है जो अभी देखिए सेटल नहीं हुई है, मतलब ये पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया है। ये मेरे पास देखिए 11 जनवरी 1:26 पर मुझे मिला था और अभी इसको 24 घंटे नहीं हुए हैं। जैसे इसका सेटल का टाइम होगा ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए जो ये थोड़ी हाईलाइट आ रही है, ये वाली लाइन, दिस अमाउंट विल बी सेटल्ड बाई 8 PM टुमारो, मतलब आज ये 8 बजे, सुबह 8 बजे, अभी देखिए 4:41 हुई है, अभी 8 बजे ऑटोमेटिकली सेटल्ड हो जाएगी मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको सेटल करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपके बिजनेस फोन पर कोई अमाउंट है तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसका टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे की तरफ देखिए व्यू सेटलमेंट, आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि ये अमाउंट हमारी अभी सेटल्ड नहीं हुई है और ये टाइम आपको दिखा रहा है कि 13 जनवरी 2023 को ये सेटल्ड होगा 8 AM को, मतलब देखिए अभी ये 8 बजे की बात कर रहा है और आज 12 तारीख है और ये कल की बात कर रहा है, कल को सेटल्ड होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, और इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ट्रांजैक्शंस और सेटलमेंट की सभी रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर जब क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सेटलमेंट अभी प्रोसेसिंग में है और ऑटोमेटिकली देखिए नीचे की तरफ आप देख सकते हैं मनी क्रेडिट टू योर अकाउंट, अभी अकाउंट में क्रेडिट ये नहीं हुई है। तो जैसे ही टाइम होगा ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो बिजनेस फ़ोन पे में अमाउंट होता है उसको आप अपने आप से सेटल्ड नहीं कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड रहता है और यहाँ पे टाइम पीरियड दिखाया जाता है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा पेमेंट कब आपके अकाउंट में सेटल्ड होगा। तो अभी देखिए मेरे अकाउंट में 800 रुपये था और ये सेटल्ड होने का टाइम जो है वो 8 AM टुमारो 13 जनवरी को यह सेटल्ड हो जाएगा। तो ये एंट्री आप चेक कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, क्योंकि इस टाइम ये एंट्री आने वाली है 8 AM को, ये एंट्री हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप अपने बैंक स्टेटमेंट में इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इसको मैनुअली सेटल नहीं कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन पे पर पेमेंट रिसीव हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली ही सेटल्ड होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।